सदगुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज जो हम आप जी के लिए रूहानी साखी लेकर आए हैं, यहाँ एक छोटी सी लड़की की साखी। सत्संग जी, देखिए किस प्रकार से उस छोटी सी लड़की को बाबा जी महाराज जी पर इतना विश्वास हो जाता है कि वह जहाँ भी जाती, चाहे वह स्कूल हो, घर हो, या फिर वह कहीं भी घूमने जाती, तो बाबा जी महाराज जी की एक प्यारी सी छोटी सी तस्वीर को अपने साथ लेकर जाती। और वहाँ जब घर आती, चाहे वह खाना खाती, या फिर पढ़ाई करती, या फिर सोने जाती, या फिर कहीं स्कूल जाती, या घर जाकर वापस वह कहीं घूमने जाती, तो हर वक्त उस प्यारी सी छोटी सी तस्वीर को अपने पास रख कर ले जाती और उससे कह कर जाती कि बाबा जी आप मेरे साथ चलो और मैं यहाँ जा रही हूँ और ये काम करने जा रही हूँ। मानो वो हर एक वक्त अंग संग उस तस्वीर को साथ लेकर जाती। सत्संग जी, साखी में हम जानेंगे कि यदि हमें सच्चे कुल मालिक की पहचान हो जाती है और यदि उन पर विश्वास हो जाता है, तो उस कुल मालिक की दया मेहर हम पर हर एक वक्त हर एक पल बरसती रहती है। बस हमें महसूस करने की ज़रूरत रहती है, और महसूस भी तब होती है जब हम उसको उस मालिक पर भरोसा कर पाते हैं। अब इस छोटी सी लड़की को इतना विश्वास और इतना भरोसा हो गया कि वह कुल मालिक हमेशा अंग संग रहते थे। तो साखी को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे रूहानी साखियां मिलती रहे, ताकि आपको कुल मालिक के भजन बंदगी में बहुत ज़्यादा विश्वास और भरोसा हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, यह साखी एक सत्संगी परिवार की है। उस सत्संगी परिवार में दो बच्चे थे, एक तो लड़का और एक लड़की। सत्संग जी, है लड़की अभी छोटी थी, लगभग 4 या 5 वर्ष की थी, लेकिन उस कुल मालिक की दया मेहर इतनी ज़्यादा थी कि इसको बाबा जी महाराज जी पर बहुत ही विश्वास था। अब यह क्यों हुआ? क्योंकि उस घर में सभी लोग सत्संगी थे और सभी बड़े ही प्रेम प्यार से बाबा जी महाराज जी की पुस्तकें, जो कि परमार्थ साखी और अन्य पुस्तकें जो सत्संग की है, शब्द की है, बड़े प्रेम प्यार से हर रोज उनके घर में उसका वाचन होता था। सभी इकट्ठा बैठ जाते और बाबा जी महाराज जी की साखियाँ और शब्द और उनके सत्संगी पुस्तकों का वाचन किया करते थे। अब यहाँ बच्ची जो कि छोटी थी, लगभग 4-5 वर्ष की, वह बचपन से ही अपने घर के माहौल में इस तरह से ढल गई थी कि उसे बाबा जी महाराज जी से रिलेटेड हर एक फोटो या फिर साखी या शब्द या फिर सत्संग सभी से बड़ा ही लगाव हो गया था। अब उसे बाबा जी महाराज जी की कोई सी भी बातें सुनने को मिल जाती तो वह बड़े ही प्रेम प्यार से सुनती, और अब उसे इतना अनुभव हो चुका था कि वहाँ भी बड़े ही प्रेम प्यार से बाबा जी महाराज जी की साखियाँ शब्द सुनाने लग जाती। अब जहाँ भी उसे 4 लोग सत्संगी मिलते, वह सभी के बीच बड़े ही प्रेम प्यार से बैठ जाती और सभी को सत्संग से संबंधित साखियाँ, शब्द और बाबा जी महाराज जी के जो भी सवाल जवाब सुने उनको सुनाने लग जाती। सत्संग जी, ऐसा कई दिनों से चलता रहता। अब उसका एडमिशन भी स्कूल में हो चुका था। अब वहाँ जब स्कूल में जाती तो वहाँ पढ़ाई करने से पहले बाबा जी महाराज जी की तस्वीर सामने रख लेती और दोनों हाथों को जोड़ कर कहती कि बाबा जी मुझे इतनी ताकत बख्शना कि मैं पढ़ाई कर सकूं और मेहनत करके काबिल बन सकूं और आपका और बाबा जी महाराज जी आपका और माता पिता का नाम रोशन कर सकूं और मेरे गुरुओं का भी नाम रोशन कर सकूं। सत्संग जी, यहाँ उसकी जो क्रियाएं थी, यह देखकर वहाँ के टीचर भी बड़े ही प्रसन्न थे और उसे भी बावे के नाम से जानने जाने लगे थे। सभी उसको बावे बावे कहने लगी थी कि है बाबा जी है। सत्संग जी, यह सुनकर वह भी बड़ी खुश होती, क्योंकि उसे अपने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही प्रेम था और जहाँ बाबा जी महाराज जी का नाम आता वहाँ बड़ी ही चाव से उनको सुनती और खुश रहती। ऐसा कई दिनों से चलता रहा। उस कुल मालिक की दया मेहर से वहाँ पढ़ाई में भी अव्वल आना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वह बाबा जी महाराज जी से कहकर बहुत ही मेहनत करती, पढ़ाई में भी बहुत ध्यान देती। वहाँ जो उसकी क्लास थी उसमें पूरे स्कूल में फर्स्ट में आती और कई बार उसने
प्राइज भी जीते सत्संग जी, और अपने घर आकर वह बड़े ही प्रेम प्यार से अपनी पढ़ाई करती, मेहनत करती, और जब वक्त मिलता तो अब वहाँ कुछ समय के बाद पढ़ाई लिखाई में अच्छी होने लगी थी, किताब भी पढ़ना सीख गई थी, तो वह घर आकर अपनी मम्मी पापा को बिठा लेती और सत्संग की पुस्तकें पढ़ना, शब्द पढ़ना और शाखियाँ सुनाना ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सत्संग जी ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। कुल मालिक की दया मेहर इतनी हुई कि अब वहाँ सत्संग घर भी जाना प्रारंभ कर दिया। वो सत्संग घर में जाती, सेवा करती और बड़े प्रेम प्यार से संगत के बीच बैठकर शब्द भी पढ़ना शुरू कर दिया। सत्संग जी वहाँ सभी लोगों के बीच बैठ जाती, सभी सेवा करते और वहाँ बड़े प्रेम प्यार से शब्द को पढ़ा करती। अब उसको पूरा शब्द तो आता नहीं था, जितना उसके मन में उसने सीख लिया था उतना ही शब्द को वो बार बार दोहराती सत्संग जी। लेकिन उसकी जो आवाज़ थी बड़ी ही मीठी और बहुत ही प्रेम और प्यार की थी। वहाँ जितना भी लाइन शब्द पढ़ती सभी बहुत ही भावुक हो जाते। उसकी ऐसा लगता मानो कि जो आवाज़ निकल रही वह उस परम पिता परमात्मा के लिए निकल रही। उसे सुनकर सारी संगत बड़ी ही भावुक हो जाती और बार बार उनसे विनती करती कि आप जी इस लाइन को बस दोहराते रहे जब तक कि हम सेवा करते रहे। सत्संग जी उसने अपने स्कूल का माहौल, घर का माहौल, सत्संग का माहौल ऐसा बना दिया मानो स्वयं रब वहां पर हो। सत्संग जी आप जी भी जानते हैं कि जिस प्रकार से हनुमान ने प्रभु श्री राम की सेवा की और वह हर एक समय श्री राम के नाम का सिमरन करते रहते और सेवा में मग्न रहते, ठीक इसी प्रकार से छोटी सी बच्ची भी उस मालिक के नाम को अंतर्मन में दोहराती गई और उसके अंतर्मन में उसकी वाणी भी इतनी दिव्य हो गई कि वहां जब बोलती तो इतनी मिठास और इतनी प्रेमता उसके वाणी से झलकती, इतनी अच्छी लगती कि सभी उसकी वाणी को सुनने के लिए बैठ जाते। सत्संग जी ऐसा कई दिनों तक होता रहा। अब कुल मालिक की दया मेहर से वहाँ उम्र के हिसाब से बड़ी होती चली गई और बाबा जी महाराज जी ने उस पर दया करी और उसे नामदान की बख्शिश भी समय के अनुसार उम्र के अनुसार हो गई। अब वहाँ भजन सुमरन करने लग पड़ी। सत्संग जी कुल मालिक की दया मेहर से उसके अंतर मन का पर्दा भी खुल गया और उसकी दया मेहर से उसके पूरे परिवार पे इतनी मौज हुई मालिक की कि सभी अब बहुत ज्यादा समय सत्संग घर में देने लगे, सभी सेवा करते और भजन सुमरन में भी समय बहुत देते और घर का कामकाज में भी समय देते। कुल मालिक जिसे अपने पास बुलाना चाहता है वहां कोई ना कोई जरिया बनकर उसे बुला ही लेता है। तो सत्संग जी साखी से हमें क्या प्रेरणा मिली? सत्संग जी साखी से प्रेरणा मिली कि हमारे पुराने जन्म के जो पिछले जन्म के कुछ संस्कार रहते हैं, जहां हमने सत्संग घर में जाकर सेवा की, सत्संग सुना और नामदान लेकर कुछ भजन सुमरन भी किया, अब वहां अधूरी सेवा रह जाए या यूं कह लो कि हम भजन सुमरन पूरा उसकी कमाई ना कर पाए हों, तो कुल मालिक हमें कभी ना कभी अगले जन्म में सत्संग परिवार में हमें जन्म दे देता है और हमसे भजन बंदगी करवा लेता है। जिस प्रकार से कुल मालिक ने इस छोटी सी बच्ची पर भजन सुमरन करवाया और उन्हें कुल मालिक की दया मेहर इतनी बख्शी कि उन्हें अंतर मन में कुल मालिक के दर्शन भी हुए, तो हमें भी वह मालिक आज नहीं तो कल अंतर मन में दर्शन जरूर देंगे। बस कहीं कमी है तो वह हमारी, हम उस पर विश्वास नहीं करते और भजन सुमरन में समय नहीं देते। कोशिश करें कि भजन सुमरन में पूरा वक्त दे और कुल मालिक पर भरोसा रखे। जिस तरह से छोटी बच्ची को कुल मालिक ने भजन सुमरन की दाद बख्शी और इतने विरह और प्रेम और इतना विश्वास उनके अंदर भरा, वह हमारे अंदर भी जरूर वह कुल मालिक दया मेहर करके देगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी रूहानी साखी पाने के लिए सद्गुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।